क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 10 इनवर्स 1 बाय 5 माइनस 10 इनवर्स 1 अपॉन 239। ईजी क्वेश्चन है ये। इसमें आपको 2 10 इनवर्स x की आइडेंटिटी दो बार यूज करना है। देखिए कैसे, इसको आप पहले लिख लीजिए 2 इंटू 2 10 इनवर्स 1 बाय 5 माइनस 10 इनवर्स 1 बाय 239। अब यहाँ पे आपने जब वो आइडेंटिटी यूज़ करी 2 10 इनवर्स x की, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 10 इनवर्स 2 इंटू 1 बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 5 का होल स्क्वायर माइनस 10 इनवर्स 1 अपॉन 239। इसको सॉल्व किया तो आपको ये मिल जाएगा 2 इंटू 10 इनवर्स 5 बाय 12। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पे 2 बाय 5 था और नीचे 24 बाय 25 आएगा, कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास यही बचेगा माइनस 10 इनवर्स 1 अपॉन 239। नेक्स्ट, अब इसमें वही चीज़ यूज़ कर लीजिए वापस से आप, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 2 इंटू 5 बाय 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5 बाय 12 का होल स्क्वायर 9। इसको आपने जब सॉल्व किया तो आपको ये मिल जाएगा 10 इनवर्स 120 बाय 119 माइनस 10 इनवर्स 1 अपॉन 239। अब फाइनली इसमें आप 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y की आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए। एक बार लिख दे देता हूँ मैं, सिंस यही चीज़ का हम यहाँ पर अब यूज़ करेंगे। ये आपको मिल गया 10 इनवर्स 120 अपॉन 119। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको इंटू 239। ये दोनों कैंसिल हो गए। टेन इनवर्स, अब इसमें आप क्या कीजिए, ये जो 120 लिखा है इसको आप लिख लीजिए 119 प्लस 1, तो इससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। देखिए कैसे, 119 प्लस 1 इंटू 239 माइनस 119। नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है उसे ऐसे ही रहने दीजिए, 239 प्लस 120। अब ये कितना हो गया, 10 इनवर्स 239 इंटू 119 प्लस 239 माइनस 119 डिवाइडेड बाय, ऐसा आपको मिल जाएगा। अब देखिए 239 माइनस 119 ये कितना होगा आपका 120, तो उसको मिटार के यहीं पे 120 लिख देता हूँ। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, 10 इनवर्स 1। अब 1 कब होता है, 10 पाई बाय 4 पर, तो 10 पाई बाय 4, तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो गया तो आपको मिला पाई बाय 4। यही आपका आंसर है, इसकी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट 10 1 बाय 2 साइन इनवर्स 3 बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस रूट 7 बाय 3 एंड जस्टिफाई वाई द अदर वैल्यू 4 प्लस रूट 7 बाय 3 इज इग्नोर्ड। ठीक है, हम देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ है। आपको दे रखा है 10 1 बाय 2 साइन इनवर्स 3 बाय 4, इसके दो रूट्स आएंगे तो एक रूट तो ये होगा और एक रूट ये होगा, पर ये वाला रूट हम कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है, पहले हम ये देख लेते हैं। आप क्या कीजिए, 1 बाय 2 साइन इनवर्स 3 बाय 4 इसको मान लीजिए थीटा, लेट से, इसके ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके थे एक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3 बाय 4 इज इक्वल्स टू 2 थीटा, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, दिस गिव्स साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3 बाय 4। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये जानते हैं साइन 2 थीटा को हम 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं,
टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को हम चेक कर लेंगे कि इसमें 4 + 7 √7/3 आ रहा है, और अगर वो आ रहा है तो वो गलत है, तो गलत क्यों है। ओके चलिए, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan²θ, ये ऐसा होता है। तो 3/4 इज इक्वल्स टू 2 tan θ डिवाइडेड बाय 1 + tan²θ, ये आपको मिल जाएगा 3 + 3 tan²θ इज इक्वल्स टू 8 tan θ, ये हो गया 3 tan²θ 2 0। इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आ गए हैं, अब इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा tan θ इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस ऑफ √b² - 4ac। यहाँ पे आपका माइनस बी मतलब -8 प्लस और माइनस ऑफ √b² मतलब -8² = 64, -4 ए है आपका 3 और सी है आपका 3, द होल डिवाइडेड बाय 2 × a, ए है आपका 3। तो आपको ये मिल गया फाइनली 28 मतलब 7 × 4, 4 का अंडर रूट मतलब 2, तो 2√7/6, 2 से आपने थ्रू आउट कैंसिल आउट किया तो 4 + or - 7/3। देख लीजिए आपके ये दो रूट्स आ गए हैं। अब इसमें 4 − √7/3 ही सही है, 4 + √7/3 सही क्यों नहीं है ये हम देख लेते हैं। इसमें आप क्या कीजिए, पहले तो थीटा की वैल्यू लिख लीजिए, थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 sin inverse 3/4, जैसा कि आपने पहले सब्सटीट्यूट किया था। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अब देखिए साइन इनवर्स आ रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है π/2 और मिनिमम वैल्यू -π/2, ऐसा हमने देखा था पहले। तो सिंस -π/2 इज लेस देन इक्वल्स टू π/2, ये चीज़ होती है साइन इनवर्स, कुछ भी हो इसकी जो रेंज है वो फिक्स है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 का जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे भी 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो π/4, यहाँ पे भी 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ -π/4, ऐसा मिल गया। अब साथ में क्या हो रहा है, इसके साथ tan आ रहा है, तो tan सब जगह लिया आपने, तो tan − π/4 इज लेस देन tan, अब tan − π/4 मतलब -1 इज लेस देन इक्वल्स टू tan 1/2 = 1, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू जो है, जो आपके रूट्स आए हैं वो -1 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, मतलब ये जो चीज़ है tan की, इसकी हद से हद वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू इज 1। अब दोनों रूट्स हम देख लेते हैं, 4 + √7/3, 4 − √7/3। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे √7 जो है ये समथिंग 2 point कुछ आएगा, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो 3 से कम ही रहेगी, न्यूमरेटर इस लेस देन 3, 2 point something कुछ आएगा, डिवाइडेड बाय 3 मतलब जो भी वैल्यू आएगी आपकी फ्रैक्शन में आएगी और वो 1 से कम होगी, तो ये वाली वैल्यू ऊपर वाले रूल को सेटिस्फाई कर रही है। क्या है, 4 + √7, तो 4 + √7 मतलब कि ये 6 point something कुछ आएगा, 6 point something डिवाइडेड बाय 3 मतलब कि 2 point something, और 2 point something जो है वो 1 से बड़ी है, पर इसमें तो हद से हद इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 से तो बड़ी हो नहीं सकती है, इसीलिए इस वैल्यू को आप नहीं लेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए आप, हियर इज ग्रेटर देन 1, दैट्स वाई यही आपका आंसर है, यही आपको बताना था कि ये क्यों नहीं लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19th, इफ a1 a2 a3 up to an इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस d, देन इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, tan inverse d upon 1 + a1 a2 + tan inverse d upon 1 + a1 a3 a2 a3
plus tan inverse d upon 1 plus a3 a4 and so on up to plus tan inverse d upon 1 plus a n minus 1 into a n. अच्छा क्वेश्चन है ये. इसके ऐसा क्वेश्चन भी आप 11th में कर चुके थे एग्जाम्पलर में. थोड़ा सा अलग था वो, पर इसी पैटर्न का था. अब आप देखिए यहाँ पे आपको गिवन है हियर a1 a2 a3 आर इन ए पी. दिस इम्प्लाइज ए टू माइनस ए वन एंड सो ऑन था इज इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू एंड सो ऑन अप टू माइनस ए एन माइनस वन. मतलब पहला टर्म जो है वो दूसरे टर्म से एक ज़्यादा है और उनका डिफरेंस आ रहा है, और ये जो डिफरेंस होता है ये होता है इज इक्वल्स टू डी, वेयर डी इज योर कॉमन डिफरेंस. ये चीज़ आप जानते हैं. अब d की जो वैल्यूज आई है a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 इस फॉर्म में आप ऊपर वाली एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा tan tan इनवर्स a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a1 a2 प्लस tan इनवर्स a3 माइनस a2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए टू ए थ्री एंड सो ऑन. अब मैं सीधे लास्ट टर्म ही लिख देता हूँ टेन इनवर्स लास्ट टर्म जो कि हमें चाहिए ए एन माइनस वन अपॉन 1 प्लस ए एन इंटू ए एन माइनस वन. ऐसा आपको फाइनली मिल जाएगा. अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कि टेन इनवर्स ए टू माइनस ए वन अपॉन वन प्लस ए वन ए टू ये फॉर्मूला आपका होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई. मैं लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. इसको मैंने लिख दिया पूरे को टेन इनवर्स ए टू माइनस टेन इनवर्स ए वन. टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई. ये चीज़ मैंने लिख दी. उसी तरह दूसरे वाले के लिए ये ऐसा हो गया प्लस एक और लिख लीजिए एंड सो ऑन अप टू आपका जो लास्ट टर्म आएगा वो रहेगा टेन इनवर्स ए एन माइनस टेन इनवर्स ए एन माइनस वन. अब आप यहाँ पर देखिए कि टेन इनवर्स ए वन को छोड़कर जितने भी टर्म्स है टेन इनवर्स ए टू टेन इनवर्स ए थ्री ये इनके सक्सेसिव टर्म्स से कैंसिल हो रहे हैं, या मुझे कहना चाहिए सक्सेसिव टर्म में इनके ऐसे टर्म्स जो आ रहे हैं उनसे कैंसिल हो रहे हैं. टेन इनवर्स ए टू इससे कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स ए थ्री इससे कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स ए फोर भी ऐसा कहीं कैंसिल हो गया होगा. आखिरी में आपको क्या मिल रहा है टेन इनवर्स ए एन माइनस टेन इनवर्स ए वन ऐसा मिलेगा, ये भी कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा नो डाउट. ठीक है तो ये आपको मिल जाएगा फाइनली टेन टेन इनवर्स ए एन माइनस टेन इनवर्स ए वन. अब यहाँ पे आप टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए एन माइनस ए वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ए एन इंटू ए वन. अब टेन और टेन इनवर्स भी कैंसिल हो गए माइनस ए वन अपॉन वन प्लस ए वन इंटू ए एन. ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 20 से 37 तक आपको एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, इसको आप ओरली ही कर लीजिए. आप जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है, तो इसका इंटरवल जो रहता है 0 कॉमा पाए क्लोज इंटरवल में आ जाता है, ये इसका आंसर है. 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिक इनवर्स एक्स. ये भी सिंपल है, इसका आंसर है डी. आपको अगर टेबल याद है रेंज डोमेन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का तो आपके लिए इजी है. हाँ यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि माइनस 0 अपन क्यों करते हैं. आप खुद ही सोचिए कि साइन एक्स अगर रहता है तो इसका उल्टा होता है आपका कोसिक एक्स. अब साइन 0 मतलब 0,
लेकिन 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसीलिए हम जहां पर 0 आ रहा है उसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इफ 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई देन x इक्वल्स, अच्छा क्वेश्चन है ये, इजी है और ट्रिकी भी है। देखिए यहां पर क्या कीजिए आप, 3 tan इनवर्स x है, इसमें से आप एक tan इनवर्स x अलग कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई, ऐसा आपको मिल गया। अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये आपका कितना होता है, पाई बाय 2, ये आप जानते ही हैं। अब 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 2, मतलब पाई बाय 2 ही, तो tan इनवर्स x आपको मिल जाएगा पाई बाय 4 के इक्वल। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 मतलब कि 1, तो x इज इक्वल्स टू 1, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।